सरायकेला जिले के छाटिल थाना पुलिस ने बीते रात NH 33 पार्टी काली मंदिर के पास पिस्तौल का भय दिखाकर युवती के साथ छेड़खानी करते दो युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सरायकेला SP डॉक्टर विमल कुमार ने पुलिस मुख्यालय में बताया कि चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 33 पार्टी काली मंदिर फल्दुगोड़ा के पास दो युवक पिस्तौल के बल पर दुकानदारों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित छापामारी दल में मौजूद चांडिल SDPO संजय सिंह थाना प्रभारी के साथ मौके पर पहुंचे और वहां से आरोपी दो युवक को धर दबोचा, जिनकी पहचान हजारीबाग जिला निवासी पुरुषोत्तम पांडे और लोकेश पांडे के रूप में की गई। पुलिस अनुसंधान के क्रम में वहां कुछ युवतियों द्वारा बताया गया कि इन युवकों ने पिस्तौल का भय दिखाकर छेड़खानी का भी प्रयास किया। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए इनके पास से एक देसी ऑटोमेटेड पिस्तौल, एक स्कूटी संख्या JH05CR9888, दो मोबाइल फोन बरामद किया गया है। आरोपी दोनों युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चांडिल थाना क्षेत्र का मामला है हमारा, जो है वो सूचना मिली थी कि रात में दो लड़के जो हैं वो पिस्टल के साथ साथ में लेकर के और जो है वहाँ क्षेत्र में लोगों के साथ एक्सटोर्शन वाली मामला था, जिसमें कि लोग धमकी दे रहे हैं। ये जानकारी आई थी कि इनके द्वारा कोई बड़ा घटना भी किया जा सकता है। इस पर एक जो है हम लोगों ने टीम बनाया था, ठीक है, और उसके बाद कार्रवाई की गई, जिसमें इनके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है, कंट्री मेड ऑटोमेटेड पिस्टल बरामद हुआ है। और इसमें दो लोग इसमें थे जिन पे पुरुषोत्तम पांडे जो हजारीबाग का रहने वाला है और लोकेश पांडे ये भी हजारीबाग का रहने वाला है, इन लोगों के पास से ये पिस्टल बरामद हुआ है। और इनका उद्देश्य था कि यह जो है वो रंगदारी किसी एजेंसी से या किसी व्यक्ति से इनके द्वारा मांगा जाता, ऐसी घटना कारित करने की संभावना पूरी संभावना थी। और इनके द्वारा एक युवती को भी उस पिस्टल का भय दिखा करके उनके साथ जो है वो अभद्र भाषा और छेड़खानी का भी करने का भी आरोप उसके द्वारा लग रहा था कि वो घटना को अंजाम देने वाला था। पर उसी वक्त हम लोग को जो सूचना प्राप्त हुई थी और उसके आलोक में इमीडिएट कार्रवाई की गई। उन लोगों का कोई आपराधिक इतिहास भी है सर? आपराधिक इतिहास अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है, हम लोग आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल इनका उम्र जो है वो 19-20 साल का उम्र है, तो इनके द्वारा जैसा प्रतीत हो रहा है कि अपराध की दुनिया में ये जो है बस प्रवेश ही करने वाले थे और इसी समय जो है ये पुलिस के हथकंडे में ये आ गए। दिन भर की ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ YouTube और Facebook पर, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।